subscribe and press the bell icon for latest update. आज हम बात करेंगे, लोकसभा में एक बार लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि अडवाणी जी जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबरी विध्वंस का मामला जी है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे लालकृष्ण अडवाणी, एक वक्त में काफी तरीके की वो राजनीति कर रहे थे, जिस तरीके से वो बीजेपी में कद रखते थे, हालांकि अब वो कद उनका बीजेपी में नहीं है। अब जिस तरीके से वो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो जो लालू प्रसाद ने जो बयान दिया था लोकसभा में कि कहीं ना कहीं जो अडवाणी है इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, ये अपने आप बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बाबरी विध्वंस का असल में मामला था क्या, ये बेहद जरूरी है समझने के लिए कि जब 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और शिवसेना जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के कार सेवकों ने अयोध्या की भूमि पर 16वीं शताब्दी से खड़ी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। बाबरी ध्वस्त से पहले और बाद में उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो किसी से छुपी नहीं है, कई हजार लोगों की उस मामले में जान जाती है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई गई उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, ये बात जानना बेहद जरूरी है। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में इकट्ठे लाखों कार सेवकों को लालकृष्ण अडवाणी और संघ परिवार के कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया था। रैली से पहले आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाबरी विध्वंस की जांच के लिए एक लिब्राहन आयोग बनाया जाता है। 16 साल की पड़ताल के बाद जून 2009 में अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि बाबरी विध्वंस जो था वो एक तरीके से नियोजित था, यानी एक प्री प्लान था। ये बात लिब्राहन आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसमें बात कही जाती है। अब उस मामले में जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि केस अब जो अदालत में है, जाहिर सी मामले उसमें अदालत में चल रहा है ये बाबरी विध्वंस का केस। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित बाबरी मस्जिद को तोड़ने की साजिश के आरोप में 13 भाजपा नेताओं पर केस चलेगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि अयोध्या में बाबरी मामले में अडवाणी समेत भाजपा नेताओं पर चलेगा केस, ये भी एक खबर थी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इमारत को तोड़ने के उसमें षड्यंत्र और भड़काव भाषण और पत्रकारों पर हमले के कई मुकदमे पिछले 25 सालों से कानूनी दांवपेच और अदालतों के भंवर जाल में उलझे। कुल 49 में से 22 अभियुक्तों को पर लखनऊ में और 8 पर रायबरेली में मुकदमे चल रहे हैं। इस बीच कम से कम 10 अभियुक्तों और 50 गवाहों की मृत्यु भी हो चुकी है। मामलों के कई अभियुक्त गवाह और पैरोकार भी इतने बूढ़े और कमजोर हो गए हैं कि उन्हें लखनऊ में विशेष अदालत की तीसरी मंजिल चलने पर भी कठिनाइयां होती हैं। यानी कहीं ना कहीं अब जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो प्रमुख मामले हैं उसमें केस नंबर 197 6 दिसंबर 1992 को विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद थाना राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रभारी पीएन शुक्ल ने शाम 5:15 पर लाखों अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया। इसमें बाबरी मस्जिद गिराने का षड्यंत्र, मारपीट और डकैती शामिल है। केस नंबर 197। केस नंबर 198 को मैं बताना जा रहा हूं आपको। लगभग 10 मिनट बाद एक अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी गंगा प्रसाद तिवारी ने 8 लोगों के खिलाफ रामकदा कुंज सभा से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक उन्माद फड़काने वाला भाषण देकर बाबरी मस्जिद गिराने का मुकदमा दर्ज कराया। अब जिस तरीके से वहां पत्रकारों पर हमले हुए, लखनऊ स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ, चार्जशीट और ट्रायल हुआ, तो यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अब अडवाणी समेत 33 अभियुक्त स्पेशल जज के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं, एक आदेश दिया गया।
लगभग 3.5 साल की सुनवाई के बाद 12 फरवरी 2001 को हाईकोर्ट के जस्टिस जगदीश भल्ला ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने संयुक्त चार्जशीट को स्वीकार करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये सभी अपराध एक ही षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं और उसके सबूत भी एक जैसे हैं, भले ही उनके लिए 49 अलग अलग मुकदमे दायर किए गए। हाईकोर्ट ने स्पेशल जज जेपी श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 1997 को 48 मुकदमों में आरोप जो है उन पर निर्धारण करके आदेश को भी सही माना, मगर जस्टिस भल्ला ने अपने आदेश में कहा कि स्पेशल जज को क्राइम नंबर 158 जो मैंने अभी आपको बताया केस नंबर 198 के ट्रायल का क्षेत्राधिकार नहीं था, चूंकि इस मामले पर रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत को ट्रांसफर करने के बारे में हाईकोर्ट प्रमाण नहीं दे पाया। और उसके बाद जो होता है फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अडवाणी सहित 20 को अस्थायी राहत दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 मई 2001 को लखनऊ की विशेष अदालतें के जज एस के शुक्ल ने आदेश दिया कि जब तक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार क्षेत्राधिकारी संबंधी कानूनी कोई कमी को दूर नहीं की जाती, फिलहाल क्राइम नंबर 198 का ट्रायल पृथक कर ड्रॉप किया जा रहा है। क्राइम नंबर 198 में यानी केस नंबर 198 में अडवाणी समेत केवल 8 अभियुक्त नामजद थे, मगर जज ने उसमें 13 और अभियुक्तों को जोड़कर 21 अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल रोक दिया है। जज ने जिन अन्य 13 जो लोगों को क्राइम नंबर 198 में जोड़ा उनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो अब राजस्थान के राज्यपाल हैं और शिवराज बाल ठाकरे जो अब स्वर्गीय हैं शामिल हैं। उनमें ठाकरे का हाल में उनका वो स्वर्गीय हैं। और यही नहीं, जो पूरी मैंने आपको जो बात बताई है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अलग बताने की मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, कौन सा केस चला, किस मामले में अडवाणी जी को जिस तरीके से आरोपी बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब तस्वीर दूसरी निकल कर ये आ रही है कि जिस तरीके से लालकृष्ण अडवाणी इस वक्त बीजेपी में हाशिए मर हैं, लेकिन जिस वजह से हमने देखा है कि जब लालकृष्ण अडवाणी को इंडिया शाइनिंग का जब नारा दिया गया था उस वक्त उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था, यानी कहीं ना कहीं ये भी बात लालू प्रसाद ने जो लोकसभा में बयान दिया था कि लालकृष्ण अडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते उसकी सबसे बड़ी वजह बाबरी विध्वंस है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बाबरी विध्वंस में उनके आरोपी बनाए जाने पर क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ये अपने आप में एक बड़ी बहस है और एक अलग तरीके का विषय है। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से राजनीति हिंदुस्तान की बदल रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यों में जीत दर्ज कर रही है, जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार 2014 से अपने एक अलग छवि के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ही हो सकता है कि पीएम के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से हो। जाहिर सी बात है लगातार बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के चाहे वो अध्यक्ष अमित शाह हो या हर बार ये बात कह चुके हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि लालकृष्ण अडवाणी को जो लालू प्रसाद ने जो कमेंट किया था, जो लालू प्रसाद ने जो लोकसभा में जो बात कही थी कि बाबरी विध्वंस की वजह से लालकृष्ण अडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये भी अपने आप एक तरीके की बात निकल कर आती है। लेकिन जिस तरीके से हम इस बयान को अगर थोड़ा सा अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसमें उनका साफ तौर पर यह कहना होगा कि उन्होंने एक तरीके से एक षड्यंत्र जो रचने का जो उन पर आरोप लगा इस वजह से उनको प्रधानमंत्री पद का नहीं उम्मीदवार। लेकिन जिस तरीके से अब हम हालात इस वक्त देश में देख रहे हैं, जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं इस वक्त देश में, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो कासगंज में जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है, क्या वाकई में अब देश में राजनेता इस तरीके की राजनीति पर उतर आए हैं कि वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर 1992 में हमने देखी थी कि जिस तरीके से एक सोमनाथ से रथ यात्रा निकलती है और फिर वो अयोध्या तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरी चीज में तब्दील हो जाती है। राम के नाम पर राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो आखिर कब तक देश के माहौल को बदलना की सोच रही है, आखिर वो जो राम के नाम की जो राजनीति कर रही है उसका कितना फायदा देश को होगा। जाहिर सी बात है कि अभी मुद्दे बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश में युवा को रोजगार चाहिए, देश में लोगों को इस वक्त जो है कारोबार चाहिए, लोग इस वक्त अपना बेहतर जीवन जी सकें,
और एक अपनी अच्छे समाज में माहौल तैयार कर सकें। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार देश में जो 1992 की घटना होती है, फिर उसके बाद 1993 में मुंबई में जो धमाके होते हैं, फिर उसके बाद से लगातार फिर हम देख रहे हैं कि 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में, और अब जिस तरीके से कासगंज में आग लगाई जा रही है, तो ये वाकई में किसी राजनीतिक, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति अपने आप में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजनीति अपना जो काम करना है उससे हटकर ऐसी राजनीति कर रही है जिससे कि समाज में बंटवारा हो जाए और जो लोग आपस में लड़ बैठे। लेकिन फिलहाल जो लालू प्रसाद का जो बयान था कि बाबरी विध्वंस की वजह से जो है लालकृष्ण आडवाणी नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और इसका सवाल का अर्थ यही निकलता है कि जो नफरत की राजनीति करेगा, जो नफरत की बात करेगा, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जो